हेलो स्टूडेंट्स, सो अपने कर रहे थे क्लास 9th के लिए, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। इससे पहले अपनों ने जितने भी टॉपिक कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद अपना रह रहा है टॉपिक प्रणोद तथा दाब। तो आज अपने करेंगे प्रणोद क्या होता है और दाब के बारे में समझेंगे। देखो इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? देखो अपने रेगिस्तान में चलेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, पैर कहाँ जाएंगे, रेत के अंदर। लेकिन ऊँट के साथ ऐसा नहीं होता, ऊँट बड़ी आसानी से जो है ना उस रेत पे चल लेता है, दौड़ भी लेता है। अब उसके बाद देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला है कि सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, वो एक सतत जो है चैन पर टिका हुआ होता है, कैसे टिका हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद है किसी ट्रक या बस के जो टायर होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। देखो नॉर्मल आप बाइक ले लो या बाइसाइकिल ले लो, ठीक है, उसके टायर क्या होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं। लेकिन ये जो ट्रक या बस है ना, इसके टायर क्या होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं और काटने वाले औजारों की धार तेज़ की होती है। मतलब आपने चाकू वगैरह या छुरी कुछ भी देखा होगा जिससे अपने कुछ भी काटते हैं, तो उसकी धार ना तेज होती है, वो क्यों होती है? तो देखो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहते हैं, अपने प्रणोद कहते हैं। देखो अपने पास मान लो कोई वस्तु है, जैसे मतलब ये मान लो कोई अपने पास कोई यहाँ पे वस्तु पड़ी है, ठीक है, इस पर अपनों ने क्या करना है, इधर से अपने दाब लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दाब कौन सा है, एक विशेष दिशा में लग रहा है, सिर्फ इस दिशा में लग रहा है, तो इसी दिशा में ये बल लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, नेट बल, प्रणोद कहलाता है। अब आगे देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। जैसे देखो ये अपना पूरा एरिया है, इसमें पूरे एरिया के प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब पूरे एरिया पे जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, अपना दाब कहलाएगा। देखो इसकी धारणा से हमें परिचय करने में सहायता होगी। अब आगे देखो प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करते हैं। देखो कुछ इन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अपने। इन्होंने कंडीशन नंबर 1 दे रखी है, स्थिति 1, किसी बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है जिसपे मतलब अपने कोई भी सूचना या समाचार या कोई भी अपने पास चार्ट पेपर है वो अपने उस पर चिपकाते हैं या उस पर लगाते हैं, वो होता है आपका बुलेटिन बोर्ड। इस पर अपने क्या कर रहे हैं, एक चार्ट लगा रहे हैं। तो देखो इसमें एक ना अपने को इन्होंने बोला कि चित्र दिया गया हुआ है, इसमें चित्र यह कार्य करने के लिए आपको ड्रॉइंग पिनों की आवश्यकता होगी। आपका जो चार्ट है वो लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पिन या कील चाहिए होगी। तो देखो इन्होंने सबसे पहले आप डायग्राम ही देख लो क्या दिया हुआ है, इस जगह पे ध्यान दो। ये देखो ये तो रहा आपका पूरा बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या हो रहा है, जो अपने हैं ये देखो, ये जो है एक पोस्टर लगाया जा रहा है। पोस्टर कैसे लग रहा है, यहाँ ध्यान दो, देखो एक इस टाइप से कील है, यूं इस टाइप से कील है, ठीक है, ये साइड इसकी चपटी है और ये साइड क्या है, इसकी नुकीली है। तो चपटी साइड पर क्या किया जा रहा है, अंगूठे से दाब लगाया जा रहा है और नुकीली साइड क्या हो जाएगी, इस बुलेटिन बोर्ड के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, अपना दाब लग रहा है। अब देखो आगे इसको देखते हैं अपनों ने क्या बोला है। तो इसको अपने अंगूठे से दबाना होगा, किसको दबाना होगा, कील को दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के चपटे भाग पर, देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ये मान लो कोई अपने पास कील है, इसका ये वाला पार्ट कौन सा है, चपटा पार्ट है, इस पर आप क्या कर रहे हो, अपने अंगूठे से दाब लगा रहे हो। तो चपटे भाग की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगता है, तो इस टाइप ये चपटे भाग पर अपने क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तथा बल बोर्ड की सतह के पृष्ठ के लंबवत लगता है। देखो इस टाइप से बोर्ड है और बल कैसे लगा रहा है, इस साइड से लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है। तो यह बल जो है पिन की नोक के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोली है कि देखो इन्होंने कहा है कि एक क्षेत्रफल पर जो है आपका बल लगता है, कैसे, देखो अगर अपने क्या करेंगे, दोबारा इसी कंडीशन पर आओ, अपनों ने ये कील ले ली, ये लो कील है, ये सिरा इसका क्या है, एक साइड ये वाला चपटा है और ये वाला क्या है, नुकीला है। इस साइड पे दाब लगाएंगे तो क्या होगा, ये नुकीला सिरा क्या है, अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर नुकीले सिरे पे अपने दाब लगाएंगे तो चपटा सिरा जो है वो कभी भी बुलेटिन बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा। यही रीज़न है कि मतलब जो अपना ये देखो यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगते हैं, यह बल पिन की नोक के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल लगता है, मतलब जितना छोटा क्षेत्रफल होगा उस पर उतना ही बल क्या होगा, अधिक लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने इसके चपटे भाग पे दाब लगाते हैं, ना कि इसके नुकीले भाग पे। अब देखो इन्होंने एक कंडीशन और दी हुई है, आप शिथिल, शिथिल मानी बिल्कुल ढीला, रेत रेत है एक, उस पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपके पैर जो है रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए, देखो पहले तो आप इस टाइप से ना इस पर खड़े हो, ठीक है, ये मान लो आपके पैर है, तो क्या होगा, ये रेत है, इसके अंदर ना रेत आपके यहाँ तक आ जाएगी, आपके पैर ना इसके अंदर धंस जाएंगे।
अब ये क्या कह रहा है कि इसी रेत के आप और आप क्या करो, लेट जाओ। ये मतलब रेत है यहाँ पे, इसी पे आपको क्या करना है, ये मतलब आप इस रेत पे लेट गए तो क्या होगा, अब आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसेगा। जितने पहले जितना मतलब आपके पैर तो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक धंस गए थे, तो आपका शरीर है मान लो हल्का फुल्का जो है अंदर चला जाएगा, लेकिन पूरा अंदर नहीं जाएगा जितने के पैर चले गए थे। तो देखो दोनों अवस्था में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। जो अपना बल अपने लगा रहे हैं वो क्या है, अपने शरीर का भार है, मतलब अपने जितना शरीर का भार है उतना ही अपने बल लग रहा है किस पे, रेत पे लग रहा है। तो देखो आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर नीचे दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। देखो इस टाइप से रेत है, इस टाइप से ऊपर लेटे हो या चाहे खड़े हो तो दाव किस ओर लग रहा है, यूँ नीचे की ओर ही लग रहा है। तो वही इसमें बताया हुआ है कि भार जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला एक बल है। यह बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। देखो इस टाइप से रेत है और इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, लंबवत ही लग रहा है। ये देखो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है। तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अपने प्रणोद कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, ऐसा बल जो लंबवत लग रहा है, ठीक है, कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रणोद कहलाएगा। अब तो क्लियर हो गया कि प्रणोद क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है, और जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। देखो जब तो आप इस टाइप से खड़े हो, ठीक है, तो आपका पूरा आपका जो बल है पूरा वजन क्या है, आपके पैरों पर है, तो पैरों का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या होंगे, आसानी से रेत में धंस जाएंगे। इसके विपरीत आप इस तरह से लेटे हुए हो तो आपका क्षेत्रफल क्या है, आपके शरीर का थोड़ा बढ़ गया, तो आपका दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और शरीर आपका जो है रेत में नहीं धंसेगा। देखो यहाँ पे इसने कहा है जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से भिन्न है। देखो शरीर का क्षेत्रफल हो गया और एक पैरों का क्षेत्रफल हो गया, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन दाब क्या लग रहा है, दोनों में बल क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो देखो इसी प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। अभी अपनों ने समझा ये चीज़। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है। प्रणोद क्या है, समान है। प्रणोद क्या होता है, लंबवत लगने वाला जो बल होता है वो प्रणोद कहलाता है। तो प्रणोद अलग अलग है, लेकिन क्योंकि क्या है, क्षेत्रफल अलग अलग है, मतलब ये क्या है कि प्रणोद किस पे निर्भर करता है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखो प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। वहाँ के देखो इन्होंने बताया कि रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक लग रहा है, क्योंकि खड़े हुए थे अपने उस टाइम अपना क्षेत्रफल क्या था, कम था, और लेटे हुए थे तब क्षेत्रफल क्या था, ज़्यादा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो खड़े की अपेक्षा हमें जो है बल अपना अधिक अप्लाई होगा। अब देखो प्रति इकांग क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब। सबसे पहले समझो प्रणोद क्या था, लंबवत लगने वाला बल प्रणोद, और प्रति इकांग क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कह रहे हैं, दाब। देखो दाब को अपने कैसे कह सकते हैं, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ये अपने इसके पास क्या आ गई, एक मतलब अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब देखो प्रणोद तथा क्षेत्रफल के ऐसा ही मात्रक प्रतिस्थापित करने पर दाब का हमें मात्रक प्राप्त होता है। देखो प्रणोद का क्या हो गया, न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, किसका, दाब का। दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे हो तो बीच में से स्लैश हट जाएगा। ये देखो आगे, वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के समान में दाब के ऐसा ही मात्रक को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। देखो वैसे तो दाब का मात्रक अपने क्या बता रहे हैं कि नैनो प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर है, लेकिन ये किन्होंने बताया था, ब्लेज पास्कल ने बताया था, तो उन्हीं के समान अपने दाब के मात्रक को क्या कह देते हैं, पास्कल भी कह देते हैं। तो जिसे किससे व्यक्त करते हैं, पी ए से, पास्कल। स्टार्टिंग के अपने दो जो है वर्ड्स ले लिए, पी ए से व्यक्त करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए ये इन्होंने एक संख्यात्मक उदाहरण किया है, ये अभी नहीं कर रहे अपने, अब आगे देखते हैं। देखो ये पूरे का पूरा नीचे डायग्राम दिया, अब देखो यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार वही बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब पर बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। देखो क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, और अगर अधिक दाब है तो क्षेत्रफल भी क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो देखो अधिक दाब पे क्षेत्रफल जो है
बड़े क्षेत्रफल पर दाब क्या लगता है? कम लगता है। और छोटे क्षेत्रफल दाब के पर दाब क्या लगता है? अधिक लगता है। तो ये कारण है कि कीलों के जो सिरे नुकीले होते हैं, धाकू जो चाकू है उसकी तेज धार होती है, तथा भवनों की नींव क्या होती है? चौड़ी होती है। देखो इस टाइप से होता है कील, तो ये साइड क्या होती है? नुकीली होती है। यही इसका रीज़न होता है कि ये, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है इस पर कम है, तो दाब भी क्या होगा? कम लगाना पड़ेगा अपने को। अब ये टॉपिक तो चलो प्रणोद और दाब तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आ रहा है इसमें तरलों में दाब, ये करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।